आपको लंबा टाइम दिया है, इसका एक्शन हम आज ही करेंगे। आप बोलोगे यार मैंने आज बोल दिया तो आप बोलोगे नहीं जरा कुछ हुआ। हमारे एक ही मांग है, जहाँ से वो लड़का मिला वो पूरा करण कुमार से सब मिल जाएगा, वो भी मिलेगा तो के अंदर से मिला इससे बड़ा सबूत है उसके उसके खिलाफ हम क्या उसके हमारे बड़े सबूत है। ओके और रोड बंद करी मेरा बच्चा हाल करो ना। किसने मारा? वो ऐसे नहीं मारते ना। क्यों मारा? वो ना के बतो क्यों मारे हो, बिना के बतो क्यों मारे हो, बिना के बतो बच्चों क्यों मारे हो, तो चाहे वे ना बिना के बतो बच्चों क्यों मारे हो, तो चाहे जितीन बच्चो मेरो जितीन बच्चो मेरो जी जितीन बच्चो जितीन बच्चो मेरो जितीन बच्चो मेरे। ये बीते एक दो दिन पहले जो है एक युवक की जो उसको मारा गया था, तो उसको जो है यहाँ से जम्मू ले जाया गया था, लेकिन वो बदनसीबी से बच नहीं पाया। तो आज उसके परिवार वालों ने जो है इंसाफ की मांग की है कि हमें इंसाफ दिया जाए, उसी के बीच जाके आज उन्होंने रोड बंद की थी। तो यहाँ पर SHO पूंछ और DSP हेडक्वार्टर भी आए और हमारे BJP के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट चिश्ती साहब भी आए, उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द जो है उन लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा और जो भी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन है वो की जाएगी। बिल्कुल 100% मर्डर है, क्योंकि आज पूरे उनके गांव के लोग ये चीज़ कह रहे हैं कि जिनके घर से भी ये शव बरामद हुआ है वहाँ से मर्डर ही हुआ है। पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी, जल्द ही इसका जो है खुलासा हो जाएगा। मैंने इनको पार्षद को यकीन दिलाया है कि जिन लोगों के खिलाफ इन्होंने एप्लीकेशन दी है कि इन्होंने हमारे बच्चे की मर्डर किया है, उनके खिलाफ FIR ला के कापी उनको अभी देंगे और वो कल सारे आदमी अरेस्ट होंगे। इस यकीन दानी पे उनको यहाँ से उठाया है और डेड बॉडी को लेके जा रहे हैं। हर कोई कहता है ये मर्डर में अनकॉन्शियस कंडीशन में पड़ा हुआ, तो पुलिस ने एक्शन किया, उसको उठा के हॉस्पिटल पुंछ में लाया गया और वहाँ उसकी ट्रीटमेंट चलती रही। कल उसको राजौरी मेडिकल कॉलेज शिफ्ट कर दिया गया, जहाँ रात उस आदमी की डेथ हो गई। अब लोग अलर्ज कर रहे हैं कि इसमें फॉल प्ले है, इसकी डेथ में लोग फॉल प्ले है। हमने इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग इनिशिएट की है और कार्रवाई शुरू कर दी। बहुत जो है इब्तदाई कार्रवाई चल रही है, जैसे हमें पता चलता है आपके शख्सियत पर।